हाय 11थीज, वेलकम टू इजी वे कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं तबिता और गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं बिजनेस के और क्या रोल होता है प्रॉफिट का बिजनेस में। सो गाइस देखो, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि क्या हमारा एम है, हम किस मकसद से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो मकसद होता है ना, वो तो प्रॉफिट ही कमाना होता है। आप कोई भी बिजनेस सेवा भावना के साथ तो नहीं करते, आप करते हो प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट? कि पैसा कमाए, तभी तो बिजनेस किया जाता है। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना तो होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। यानी कि बिजनेस अगर हमारे एनवायरनमेंट में, यानी कि सोशली एक इकॉनमी में है गाइस, हमारे भारतवर्ष में कोई बिजनेस है, तो उसके सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। सो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट होता ही है, बट उसके बाद बहुत सारे अदर ऑब्जेक्टिव भी हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मली बिजनेस स्टार्ट किया जाता है कि भाई हम सेल बढ़ा देंगे, हम ये कर डालेंगे, हम अपने 10 नए शोरूम खोलेंगे, ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, राइट? लेकिन इससे हटकर जो और भी ऑब्जेक्टिव हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो और अभी तक वीडियो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को नहीं देखा या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको पता है गाइस 11th एंड 12th कॉमर्स का फुल कोर्स अवेलेबल है चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आसान सारी वीडियोस है, देख सकते हो। कोई चीज़ में अगर आप अटकते हो, समझ नहीं आती, तो मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ भी सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, सो गाइस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने पढ़ी थी ना, किसे कहते हैं, जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, ऐसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ना पैसे से रिलेटेड होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइस इसमें ना टोटल देखो 5 ऑब्जेक्टिव आप पढ़ोगे और सोशल में भी 5 पढ़ोगे, तो टोटल कितने होंगे, 10 ऑब्जेक्टिव जो आपको पढ़ने हैं, समझने हैं और याद करने हैं। अब देखो, इकोनॉमिक में सबसे पहला क्या है गाइस, अर्निंग प्रॉफिट, जो कि आप जानते हो कि हम मकसद क्या है हमारा बिजनेस को चलाने का, प्रॉफिट कमाना। भाई हम पैसा लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, तो पैसा कमाने के लिए तो लगा रहे हैं ना। सो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना, जो कि आपको पता है। प्रॉफिटेबिलिटी किसे कहते हैं, रेफर्स टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी किसे कहते हैं गाइस, जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, पैसा जितना हमने लगाया है, जो कैपिटल लगाई है, उस पर हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। जैसे कि 10 लाख लगा के 50,000 कमाना या 1 लाख कमाना, दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी, राइट? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि पैसा कमाने के मकसद से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। सेकंड गाइस, मार्केट स्टैंडिंग, यानी कि मार्केट में खड़े होने के मकसद से। खड़े होने का मतलब क्या है गाइस, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल करना। कौन सी पोजीशन, स्ट्रॉन्ग पोजीशन। ये नहीं कि आपका बिजनेस चल रहा है, बस डेली की सेल इतनी हो जाती है कि भाई क्या कहते हैं, आपको नुकसान नहीं हो रहा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए गाइस। समय बदल चुका है, आज की डेट में आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे अपने बिजनेस को खड़ा करना होगा, तभी आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चल पाएगा। नहीं तो कोई नया कॉम्पिटिटर आएगा, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। सो आपको मार्केट स्टैंडिंग, मतलब रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर। अ बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट स्टैंडिंग ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स टू कस्टमर एंड सर्विंग देम टू देयर सेटिस्फेक्शन। यानी कि हमें अपने कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट देना है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स से बेहतर हो। अदरवाइज मार्केट में आपको पता है कि भैया बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत सारी फर्म्स आ जाएंगी और आपकी फर्म डूब जाएगी, तो इसके लिए आपको मार्केट स्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है। थर्ड गाइज, इनोवेशन, क्योंकि समय बदल चुका है, इसी वजह से ये होना बहुत ज़रूरी है। भैया पहले वो होता था कि जो प्रोड्यूसर होता था ना, वो चीज़ें बनाता था जो वो बना सकता है, लेकिन आज की डेट में गाइस वो चीज़ें बनती हैं जो एक कस्टमर को नीडेड होती है। अगर उसको टच स्क्रीन फ़ोन की नीड है, तो प्रोड्यूसर को टच स्क्रीन फ़ोन ही देना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? पहले प्रोड्यूसर वो चीज़ बनाता था, भाई रिन साबुन बना दिया तो वही बेच रहा है, बंदे को कोई और चाहिए, नहीं कपड़े साफ़ हो रहे, लेकिन फिर भी लेना पड़ेगा। लेकिन आज अगर ये इनोवेशन प्रोड्यूसर नहीं करेगा, तो इसको पता है कि भैया मेरे जैसे 10 और बंदे हैं जो इसकी डिमांड पूरी कर देंगे, इसलिए इसमें इनोवेशन, प्रोड्यूसर को इनोवेशन लाना बहुत ज़रूरी है।
एक बिजनेस में इनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो इनोवेशन कहते किसे हैं गाइज, आपको पता है इनोवेशन कहते हैं नए आइडिया को, नए मेथड को, इन द वे समथिंग इज डन और मेड। ठीक है, फ़ोन पर बात तो पहले हम घर पर रखा जो होता था फ़ोन उस पर भी कर लेते थे, लेकिन हमें पता है कि समय के साथ चीज़ें चेंज हुई और मोबाइल फ़ोन्स आए। साइज़ पहले बहुत बड़े होते थे, फिर छोटा साइज़ आया, अब फिर दोबारा टच स्क्रीन आ गया, राइट। मतलब टच स्क्रीन बहुत टाइम हो गया है, बट स्टिल उसकी डिमांड थी, राइट। सो इनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इनोवेशन नहीं होगा हम मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। तो दो काइंड का इनोवेशन होता है गाइज, प्रोडक्ट और सर्विसेज में आप इनोवेशन कर सकते हो। ठीक है, पहले अगर आप याद करो कि गाइज जैसे कोई भी टिकट बुकिंग वगैरह होती थी तो हमें वहाँ फिजिकली जाके लेनी होती थी, लेकिन आज की डेट में आपको एयर टिकट बुक करानी है, आप घर बैठे करा सकते हो, राइट। दैट इज, ये क्या है, ये इनोवेशन इन सर्विसेज है। ठीक है, सेकेंड इनोवेशन गाइस किस में करना चाहिए, वेरियस स्किल एंड एक्टिविटी नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जैसे मैंने आपको बोला कि घर बैठे चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, तो स्किल्स में, एक्टिविटीज़ में भी आपको इनोवेशन चाहिए, जिसके लिए ज़्यादा भाग दौड़ ये सब चीज़ें कम होकर स्मार्ट वर्क आए। तो इनोवेशन होना चाहिए एक मेन ऑब्जेक्टिव गाइस। इसके बाद फोर्थ क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स, यानी कि बिजनेस का ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है गाइस कि भाई उसके पास जो भी रिसोर्सेज हैं फिजिकली और फाइनेंशियली, फिजिकल बोल तो प्लांट, मशीन, ऑफिस, ये सारे फिजिकल हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, तो हमें अपने मशीन्स वगैरह को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। एक मशीन हमारी 10,000 यूनिट बना सकती है, बट हम उससे सिर्फ 5,000 बना रहे हैं, तो इट मीन्स हम लोग एफिशिएंट अपने चीज़ें यूटिलाइज नहीं कर रहे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। अगर हमारी मशीन 10,000 यूनिट बना सकती है और हम 10,000 बनाते हैं, तो हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर आएंगे। हम अपने पैसे से फाइनेंशियल रिसोर्स को भी अच्छी तरीके से यूज़ करना है गाइस, यानी कि अगर हमने कैपिटल लगाई 10,00,000 रुपये और हम 10,00,000 रुपये बिजनेस में लेके तो आ गए, बट उसे प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो इट मीन्स हम ढंग से अपने बिजनेस को नहीं चला पा रहे। सो हमें बिजनेस को सही चलाने के लिए फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना ज़रूरी है। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव गाइस जो कि होता है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इसका क्या मतलब है, जो भी आप चीज़ बना रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, लेकिन किससे, वैल्यू ऑफ इनपुट, यानी कि अगर आपके 100 यूनिट रॉ मटेरियल जाता है तो आपका आउटपुट 200 यूनिट होना चाहिए, कुछ हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने चाहिए। ठीक है, रॉ मटेरियल की 100 यूनिट जाने पर, यानी कि आपने 100 मीटर कपड़ा डाला तो उससे हमारा 200 मीटर कुछ प्रोडक्ट बनने चाहिए। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, यानी कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है हमें, कम नहीं करनी, जो भी आप इनपुट डाल रहे हो उससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तभी हमारा बिजनेस गाइस चल पाएगा। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव टोटल 5 टाइप के थे, अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि सबसे पहले आपको प्रॉफिट कमाना है, मार्केट में अपने आप को खड़ा करना है, खड़ा करने के बाद चीज़ें अच्छी देनी है, इनोवेशन और अपने रिसोर्सेज को इंटरनली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, और अपनी प्रोडक्टिविटी पर एफर्ट्स करने हैं, यानी कि इंक्रीज करनी है प्रोडक्टिविटी। तो ये इंटरनली बिजनेस के अंदर के ऑब्जेक्टिव्स हैं गाइस, जो चीज़ों को लेकर हैं, जो बिजनेस को खुद खड़े करने को लेकर हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव, जो कि उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि आपके इकोनॉमिक वाले ऑब्जेक्टिव थे। अब इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है ना गाइस, वो है प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ गाइस, सोशल ऑब्जेक्टिव सोशली लोगों से रिलेटेड हो सकता है, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड हो सकता है, सोशली एक्टिविटीज से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि समाज में भला करना, उन्हें अच्छी चीज़ें पहुँचाना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना कम दाम में, ये सब हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है, जिसमें सबसे पहला प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि सबसे पहला देखो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें जो भी प्रोडक्ट पहुंचाना है ना कस्टमर तक, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। अब आपको पता है कि आप सामान सस्ता बेचो 200 रुपये का, बंदा घर लेकर आए और वो सामान खराब हो जाए, फूक जाए उसी समय, तो 200 रुपये तो बर्बाद गए। तो आपको प्रोडक्शन ऐसा करना है कि अगर थोड़ी सी क्वालिटी मतलब उसकी इतनी अच्छी रखनी है कि भैया घर अगर बंदा लेके आता है तो वो एटलीस्ट अपने मनी को यूटिलाइज कर सके। सो प्रोडक्शन जो भी करे, कोई भी बिजनेस, कोई भी, तभी तो आप देखोगे ना कि चाइना के प्रोडक्ट्स जो है ना ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करते, यानी कि चाइना की लाइट लेके आए, थोड़े टाइम यूज़ करी, ख़राब हो गई, बट मैं फिर भी ये चीज़ बोलूँगी कि अब उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम लोग चाइना का बहिष्कार ज़रूर करते हैं, बट गाइस आज की डेट में क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। सो यहाँ पर मेन मकसद भी किसी भी बिजनेस का यही होता है कि भैया अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट
और सर्विसेज आप दो। हम लोगों की भी गाइस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ISI मार्क ज़रूर चेक करें इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीदते वक्त, अदरवाइज उनसे हमें करंट लग सकता है, कुछ भी खतरा हो सकता है। फूड प्रोडक्ट के लिए FPO मार्क चेक करें, ज्वेलरी के लिए होल मार्क चेक करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बिजनेस की भी जिम्मेदारी होती है कि हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे, ठीक है, ख़राब ना दें, बेकार ना दें। मतलब वादा तो करते हैं कि भैया ये लोग सर्फ एक्सल सारे ब्रांड ड्रेन वगैरह कि एकदम साफ़ कर देंगे, और फिर नहीं करता तो क्या होता है, हमारा विश्वास टूटता है। तो यही चीज़ है गाइस कि क्वालिटी प्रोडक्ट देना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है गाइस अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि जो भी बिजनेस है उसको अवॉइड करनी चाहिए एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि गलत चीज़ें। एंटी सोशल यानी कि सोशली जो चीज़ें गलत हैं, सोशली जो चीज़ें सोशल यानी कि समाज के लिए ख़तरनाक हैं, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसमें क्या आ जाता है गाइस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या आ जाता है कि भाई मिसलीडिंग हमें एडवर्टाइजमेंट दे दी जाती है। हम देखते हैं कि भैया इससे तो ये हो सकता है, लेकिन जब घर पे कोई चीज़ लेके आते हैं तो पता चलता है कि वो काम हो ही नहीं पा रहा। फिर हम क्या कहते हैं, अरे यार वो तो झूठ एडवर्टाइजमेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार आपको क्या कहा जाता है गाइस, कॉम्प्लेन पीने से हाइट बढ़ती है। मैंने तो आज तक कभी किसी की नहीं देखी ऐसे हाइट बढ़ते हुए। इट्स जेनेटिक गाइस, जिसकी जितनी हाइट बढ़नी होती है उतनी ही बढ़ती है। हाँ ऑफ कोर्स एक्सरसाइज वगैरह का फ़र्क पड़ सकता है, बट कॉम्प्लेन का मुझे कोई रिलेशन अभी तक नहीं दिखा। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं या ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, ये सब बिज़नेस को नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद है गाइस हमारा नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमारे बिज़नेस को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट सिर्फ यही नहीं कि जिन लोगों को वो काम पर रखना चाहते उनकी, बल्कि बहुत सारे फिज़िकली हैंडीकैप लोग भी होते हैं, उन लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ठीक है। जैसे कि लोग चल नहीं सकते तो उनको रिसेप्शन पर बिठा दिया, या ऐसे किसी काम पर जिन पे उनको ज़्यादा एफर्ट्स ना लगे बट वो काम भी प्रॉपर होता रहे। हम ये नहीं कह रहे कि बिज़नेस अपना नुकसान करे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बिज़नेस हैंडीकैप लोगों को या फिज़िकली चैलेंज लोगों को या डिफरेंटली एबल लोगों को काम दे, ठीक है, ताकि हमें रोज़गार के अवसर यानी कि आपको मैं सिंपल बोलूँ तो उनको भी नौकरी मिल सके, ठीक है। इसके बाद है गाइस हमारा फोर्थ वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि बिज़नेस का नेक्स्ट मकसद क्या होना चाहिए। देखो ये सारे ना समाज सेवा से रिलेटेड आ रहे हैं। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ में यानी कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी सैलरी देनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो एक अपना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जी सके। उसके बाद है गाइस कम्युनिटी सर्विस, यानी कि उसे अपने समाज के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि आप शांति आंवला के तेल में देख सकते हो कि एक रुपये शिक्षा की ओर वो बोलते हैं, यानी कि वो पढ़ाई में अब जो भी अर्न करते हैं उसमें एक रुपये पर प्रोडक्ट का शिक्षा में देते हैं, तो दैट इज़ कम्युनिटी सर्विस। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी हैं जो अपने आसपास डिस्पेंसरी खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, पार्क बनाते हैं, ठीक है, तो इन पर भी ध्यान देना चाहिए। जिसमें आप देख सकते हो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है रेगुलरली गाइस कंट्रीब्यूट करती है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में। आप देखो हमारे यहाँ के देश के सबसे बड़ा एग्जांपल आपको मिस्टर रतन टाटा का दिख जाएगा, जो कि हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अब गाइस हम पढ़ते हैं यहाँ पर रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, प्रॉफिट क्यों होना चाहिए। तो ये तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही बता दोगे भैया फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस को हमें लंबे समय तक चलाना है तो बिजनेस में प्रॉफिट होना ज़रूरी है। फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, अगर हमें बिजनेस को बढ़ाना है तो भी प्रॉफिट होना ज़रूरी है। अगर आपको सिर्फ उतना कमा रहे हो जितने में आपकी कॉस्ट निकल जाए तो आप अपने बिजनेस को कभी नहीं बढ़ा पाओगे। बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, देखो अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा मेहनत करवाना चाहते हो, मालिक अगर ज़्यादा मेहनत करना चाहता है तो वो तभी कर सकता है जब प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा हो। अगर हमें किसी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं नज़र आता तो हम क्या करते हैं, बिजनेस को बंद कर देते हैं। लेकिन अगर पैसा नज़र आता है, प्रॉफिट होता है, तो हम वहाँ पर अपना 200% योगदान देते हैं, यानी कि अपनी 100% पावर लगा देते हैं। तो प्रॉफिट हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, हमसे ज़्यादा काम करवाता है। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, यानी कि मार्केट में अगर हमें खड़े होना है तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, तभी हम अच्छा प्रोडक्ट अपने मतलब सोसाइटी को दे पाएंगे। फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ बिजनेस, यानी कि हमें अपने बिजनेस के रिस्क और कॉस्ट को कवर करने के लिए भी अच्छा प्रॉफिट कमाने की ज़रूरत है। सो गाइस ये हमारे टॉपिक थे आज के जो कि हमने पढ़े, आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। अब इसके साथ एक छोटी सी केस स्टडी भी करते हैं।
सो गाइज एक केस स्टडी समझते हैं. आपको पता है केस स्टडी को पढ़ने के लिए सबसे पहले नीचे की लाइन पढ़नी पड़ती है. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस श्रेया एंड वृंदा फोकसिंग ऑन. तो यहाँ पर केस स्टडी में ना देखो श्रेया है और वृंदा है और वो किस चीज़ पर फोकस कर रही है हमें वो बताना है. सो श्रेया एंड वृंदा जॉइंट टुगेदर एंड एस्टैब्लिश्ड अ पार्टनरशिप फर्म डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. वो दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म खोलती है जो कि क्या काम करते हैं गाइज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का काम करते हैं. ठीक है, ईच वन ऑफ देम लुक आफ्टर वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. हर दोनों एक एक डिपार्टमेंट संभालती हैं एंड दे हैड मेड इट सर्टेन दैट एवरी सैटरडे दे वुड होल्ड अ मीटिंग. हर सैटरडे वो मीटिंग रखेंगे और शेयर द इंफॉर्मेशन ऑन द एक्टिविटी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और बात करेंगे कि भाई हमारे डिपार्टमेंट कैसे चल रहे हैं. इसके अलावा इन वन ऑफ देयर मीटिंग दे डिस्कस अबाउट सम की एरियाज ऑन विच दे शुड फोकस देयर अटेंशन. एक मीटिंग में गाइज वो लोग बात करते हैं किन के बारे में, की एरियाज के बारे में जहाँ पे उनको स्पेशल अटेंशन देने की नीड है. श्रेया कहती है वी शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स. यानी कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है ना हमें उससे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है और प्रॉफिट को. जबकि ऑन दी अदर हैंड वृंदा क्या कहती है वी शुड कीप क्लियर ऑफ द एंटी सोशल एक्टिविटी लाइक अडल्ट्रेशन होर्डिंग एंड प्रॉफिटियरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी. ये कहती है कि भाई हमें एंटी सोशल एक्टिविटीज़ नहीं करनी, हमें मिलावट वगैरह ज़्यादा पैसा कमाने के ऊपर नहीं भागना, हमें बेनिफिट पहुँचाना है गाइस सोसाइटी को, जैसे कि चैरिटेबल डिस्पेंसरी ओपन करके, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. तो गाइस यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव की बात करी जा रही है वो कौन से हैं, तो देखो ये तो पैसा कमाने के मकसद वाले हैं तो इन्हें हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोलेंगे. जबकि यहाँ पर वो सोशली ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान दे रही है तो इन्हें हम सोशल ऑब्जेक्टिव बोलेंगे. ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव में अवॉइडिंग कौन सा वाला है गाइस, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक के भी 5 पार्ट हैं और सोशल के भी 5 पार्ट हैं. तो सोशल में कौन सा है, अवॉइडिंग एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. और क्या है इसमें, कम्युनिटी सर्विसेज देना. ठीक है, ये जो बना रही है ये क्या कर रही है, कम्युनिटी सर्विसेज, और ये जो दूर कर रही है इसको क्या बोलते हैं, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. और जबकि इकोनॉमिक में कौन सा है गाइस, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग प्रॉफिट. तो इसमें भी दो ऑब्जेक्टिव की बात करी गई है और इसके अंदर भी दो ऑब्जेक्टिव की बात करी गई है. तो क्लियर है ये इस केस स्टडी से कि हमें कैसे पहचानना है गाइस श्रेया और वृंदा की. तो इसके लिए आपको कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको कंसेप्ट याद है तो आप इजीली बता सकते हो. आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी और अगर यूज़फुल रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना अपने प्यारे प्यारे और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना. आईडी है तबिता मैसी. थैंक यू.